नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मेट्रो वाला में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेट्रो में यात्रा करने के दौरान गलती से आपका स्मार्ट कार्ड या टोकन खो जाए तो आपको मेट्रो से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपका स्मार्ट कार्ड खो गया है तो जिस तरह से हम अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के खो जाने के बाद उसको ब्लॉक करा देते हैं, क्या उसी तरह स्मार्ट कार्ड को भी ब्लॉक कराने का और स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध बैलेंस को वापस पाने का कोई तरीका है क्या? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। दोस्तों, जिस सवाल का जवाब आप इस वीडियो में जानना चाहते हैं उस सवाल का जवाब जान के आपको थोड़ा दुख भी होगा और थोड़ा गुस्सा भी आएगा, क्योंकि मेट्रो में यात्रा करने के दौरान गलती से अगर आपने अपना स्मार्ट कार्ड टोकन खो दिया है तो आपको मेट्रो से बाहर निकलने के लिए पेनाल्टी देनी पड़ेगी। और पेनाल्टी की ये राशि 130 रुपये होती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार 130 रुपये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्या इससे कम पे करके या कुछ और जुगाड़ करके मेट्रो से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है क्या? देखिए, अगर मैं आपको ऑफिशियली बताऊं तो कोई उपाय नहीं है। आपको मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के लिए 130 रुपये देना ही होगा, तभी आप बाहर निकल सकते हैं। हालांकि जिस स्टेशन से आप एग्ज़िट करना चाहते हैं, अगर आप उस स्टेशन के कंट्रोलर को या काउंटर पर बैठे किसी स्टाफ को अगर आप ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि आपने सही में एंट्री के टाइम टोकन या कार्ड यूज़ किया था और गलती से आपसे टोकन या कार्ड खो गया है, तो वो आपको जितनी आपकी किराया की राशि होती है उतने किराया की राशि लेके भी स्टेशन से एग्जिट करने के लिए परमिशन दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मेट्रो स्टाफ को ये विश्वास कैसे दिलाऊंगा कि सही में मैंने मेट्रो एंट्री के टाइम कार्ड या टोकन यूज़ किया था। देखिए, इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। इसमें सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप उनसे बात कीजिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए। वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे एंट्री कितने बजे की थी, किस स्टेशन से की थी, टोकन कितने का लिया था, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल पूछेंगे। और अगर आपने सवाल का जवाब सही से दे दिया और अगर वो आपके सवालों से सहमत हो गए, आपके जवाब से सहमत हो गए, तब आपको किराए की राशि लेके मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की परमिशन दे सकते हैं। कुछ और भी उपाय हैं, जैसे अगर आपने कार्ड खोने के बाद मेट्रो स्टेशनों पर बने हुए दिल्ली पुलिस के बूथ पर जाके FIR करा दी है, तो FIR की कॉपी दिखाने के बाद भी आपको स्टेशन से एग्जिट करने की परमिशन दे दी जाएगी। इसके साथ ही जब भी आप टोकन खरीदते हैं या अपने कार्ड को रिचार्ज कराते हैं तो आपको एक रसीद दिया जाता है। अगर आपके पास वो रसीद है और अगर आपने काउंटर पर एग्जिट करते टाइम मेरी रसीद दिखा दिया, तो उस समय भी अगर कंट्रोलर चाहे तो आपको यात्रा की राशि वसूल करके आपसे मेट्रो स्टेशनों से बाहर निकलने की परमिशन दे सकते हैं। 130 रुपये पेनल्टी पे करने के अलावा जितने भी उपाय मैंने आपको एग्जिट करने के लिए बताए हैं, वो हालांकि ऑफिशियल तरीके नहीं हैं, इसलिए आप कंट्रोल स्टेशन स्टाफ पे उसको मानने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर और वो कितने सख्ती से नियमों का पालन करते हैं इसके ऊपर। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि कार्ड के खोने के बाद क्या उस कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं और उस कार्ड में बचे बैलेंस को वापस पा सकते हैं क्या। देखिए, मैं सच्चाई आपको बताऊं तो मेट्रो में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे वो आपके कार्ड को ब्लॉक कर दें। भले ही आपके पास कार्ड का नंबर हो या कार्ड की FIR कॉपी हो, कार्ड को ब्लॉक करने का कोई भी उपाय नहीं है और ना ही उसमें बचे हुए बैलेंस को दोबारा प्राप्त करने का कोई तरीका है। तो अगर एक बार आपका कार्ड खो गया तो उसको आप दोबारा पा नहीं सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको अगली बार यात्रा करना होगा तो आपको नया कार्ड लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे दिया है। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।